लेकिन हम लोग के इतना ही गलती महसूस है, नाला खुला नहीं रहना चाहिए। नाला तो उसमें मान लो बच्चा क्या आदमी भी चला जाएगा, अरे आदमी भी डूब सकता है उसके अंदर, कोई भी आसानी से यहाँ पर स्लिप हो सकता है। ढूंढने का कोशिश किया तो उसी में पाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज़तर्रार में, मैं श्रेया। बता दें कि जब से राजधानी में मॉनसून का सीजन आया है तब से लगातार बच्चों की डूब कर मरने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हाल ही में ऐसे बहुत सी खबर निकल के सामने आई थी, तो कभी मयूर वीआर फेस टू में एक माँ अपने बच्चे के साथ नाले में डूब जाती है, तो कभी दिल्ली के बहुत से इलाकों में छोटे छोटे बच्चे हैं वो जल भराव के कारण डूब जाते हैं या तो उनको करंट लग जाता है जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का जो मानसून आया राजधानी दिल्ली में वो मौत के बुछार लेकर यहाँ पर आया है। जिस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों की मृत्यु हो रही है डूब जाने से, तो कभी करंट लगने से एक बहुत बड़ा चिंता विषय निकल के सामने आ रहा है। साथ ही में प्रशासन के जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। बता दें अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दिल्ली के अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर इलाके में। बता दें कि यहाँ पर आप एक नाला देख सकते होंगे, ये जो नाला है वो पिछले इतने टाइम से ओपन है कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने इतनी बार कंप्लेन करा लेकिन उसके बाद भी ये नाला ढका नहीं गया। अब आपको लग रहा होगा कि इस नाले में थोड़ा सा दीवार है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस नाले और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, नाले और ज़मीन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी आसानी से यहाँ पर स्लिप हो सकता है, किसी की भी जा सकती है। और साथ में आप ये देख सकते हैं नाला आगे तक बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, ये नाला वहाँ बहुत पीछे चलता आ रहा है और यहाँ पर ज़मीन और नाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिससे एक बच्चा ही नहीं किसी की मृत्यु हो सकती है यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है यहाँ पर नाले की हालत देखी है। बता दें कि यहाँ पर कल शाम को एक 5 साल की मासूम बच्ची के गिरने से उसकी मौत हो गई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नाला बनाया गया, जिस कंपनी ने यहाँ पर नाला बनाया गया है उनकी लापरवाही को ज़रा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर नाला खुला छोड़ दिया गया है। खुला तो खैर बहुत दूर की बात है, यहाँ पर ज़मीन और नाला एक हो रखा है कि अब नाले और ज़मीन में डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर नाला कौन सा और ज़मीन कौन सा है। तो इस वजह से यहाँ पर कल शाम को वो अपने परिवार के साथ आई थी और खेलते खेलते वो इस नाले में डूब गई, जिसके बाद परिवार वाले बच्ची को खोज रहे थे और रात को पता लगा कि उनकी बच्ची नाले में डूब गई है और उनकी बच्ची अब दुनिया में नहीं रही। आइए उनके परिवार वाले से जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। फिलहाल अभी हम उन बच्ची के परिवार वालों के साथ मौजूद हैं, उनके घर पे मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा शोक का माहौल है। जाहिर से बात है किसी के घर से एक बच्ची गई है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस लापरवाही से वहाँ पर नाला बनाया गया था, जिस लापरवाही से वहाँ पर नाला को खुला छोड़ा गया था, एक बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है क्योंकि उस नाले ने एक छोटी सी मासूम बच्ची का जान लिया है। फिलहाल यहाँ पर उनके परिवार वाले मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। जी कब की घटना है ये सर? घटना यही है, हम लोग खेत में मजदूर पालक काट रहे थे, बच्चा वहाँ पर 4 बच्चा खेल रहा था, 2 बच्चा आ गया पानी पीने के। सारे बच्चे खेल रहे थे वहाँ? हाँ, एक ये था, एक वो बच्चे थे, दो ये था जी। तो दो भाई बहन पानी पीने के लिए आ गया, बच गया वहाँ पर 2 भाई बहन, एक छोटा बच्चा, उतना ध्यान नहीं दिया, हम लोग भी ध्यान अपना पाला काटने पर ध्यान दिया। आपको लगा बस बच्चे खेल रहे हैं खेत में ही, आपको क्या पता कि ऐसा कुछ ऐसे खुला हुआ? 4 रोज से वहाँ पर बच्चा खेल रहा था, लेकिन वहाँ अंधारी था, हो गया, लेकिन हम लोग के इतना ही गलती महसूस है, नाला खुला नहीं रहना चाहिए, उस पर सिलाप ढकना चाहिए। आपको भी फिलहाल वहाँ जाके नाला भी दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पे नाला खुला है, और नाला कोई छोटा मोटा नहीं खुला, नाला काफ़ी बड़ा 4 फीट नाला, इतना बड़ा नाला खुला हुआ है और इतना बड़ा नाला ऐसे खुला रखना। 6 फीट गहराई भी है? गहराई 6 फीट है वहाँ? जी 6 फीट गहराई है नाला, तो उसमें मान लो बच्चा क्या आदमी भी चला जाएगा तो अंदर नहीं आ पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा उसमें से, इतना गहराई है नाला, तो उसमें से उसको ढकना ज़रूरी है। जो कंपनी बनाया है उसको गैल के गैल उसको ढक देना चाहिए था, पर अभी तक कहीं भी नहीं ढका है पूरे। लापरवाही की वजह? जी लापरवाही के वजह से। इसके पहले भी बताया जा रहा था कि नाले में बहुत बच्चों की मौत। इससे पहले आंखों के अस्पताल ढोरे बारिश का ही पानी से पूरे नाला टूट गया। हाँ, कितना किसान को क्षति हो गया, फसल उसका हर्जाना कौन देगा? हाँ, किसान अपना जो उघाई पे बटाई पे जो बो रहा है उसको तो कुछ मिला नहीं, उसका फसल नुकसान हो गया, इससे पहले भी कुछ नहीं मिला। वो नाला ही टूटा था? नाला ही टूटा था जी। इस कंपनी ने उसको बनाया है तो कि उनको क्या इतना भी ख्याल नहीं था कि इतने में नाला को खुला छोड़ दिया कि जिस टाइम पे आपकी बच्ची, मतलब जब आपको पता लगा आपकी बच्ची नाले में, उस वक्त कितने बज रहे थे?
बज रहे थे, 8 बज रहे थे रात। तो कैसे निकाला आपने फिर बच्चे को? उजेली से निकाले, जिससे टूला भूसा नहीं निकालते हैं गेहूं तेहूं के, उससे निकाले। तो काफी देर से बच्चे वहाँ पे थी, तो अस्पताल में फिर एडमिट करवाया बच्चे को? नहीं, पुलिस के कंप्लेन हो रखा था तो बच्चा मेरा खो गया है, तो पुलिस उससे पहले यहाँ आ चुका था। थाने में कंप्लेन किया था? वो अलीपुर, अलीपुर थाने के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद फिर बच्चे को निकाला गया? हाँ, वो पुलिस से आने से पहले बच्चा के निकाल के हम लोग को उसी जगह रख दिया, तो पुलिस आया तो हम लोग के वहाँ से हटा दिया। हम लोग बोले भाई बच्चा के अपना आदमी है, खास आदमी है, तो वहाँ पर 2-4 आदमी के जाने दिया। उसके बाद सबके रोड पे ठहरा कर दिया, बच्चा के ले गया, कम 10:30 बजे रात में यहाँ से ले गया। प्रशासन बुलाया सवेरे 9 बजे, आ जाइयो 5 आदमी से थाना पर, तो सवेरे गया है 5 आदमी से, कागज पत्र बना के दिया है, तब बच्चा के पोस्टमार्टम करके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, बस डूबने से बच्चे हैं, उसी का भी संस्कार करके जमुना पर से यहाँ आए। ठीक है, जिस हिसाब से नाला खुला पड़ा है, तो इस हिसाब से बताया जाए कि पहले वहाँ पे इतने बड़े हादसे हो, इतना बड़ा नाला मैं भी अभी देख के आई हूँ वहाँ पर, जिस तरीके से इतना बड़ा नाला वहाँ पे खुल के रखा है, तो यार बच्ची तो बहुत मतलब वो कर रही है, नॉर्मल इंसान, हम और आप जैसे इंसान भी उस नाले में गिर सकते हैं, डूब सकते हैं उसमें, तो इस तरह के अभी नाले खुले पड़े हैं। खैर, वो तो बच्चे है, बड़े आदमी भी डूब सकता है उसके अंदर। कितने साल की बच्ची? 5 साल की बच्ची। तो 5 साल की बच्ची थी, मतलब इतना 5 साल के बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता, वो खेलते रहते हैं। और उसके ऊपर कोई पटरा रखा हुआ था नाले के ऊपर? हाँ, पलाई है, 4 फुट का डला हुआ है, पलाई 4 फुट का डला हुआ। पलाई हट गया होगा जिस वजह से नहीं, उस पे पलाई वही है, पलाई पे ही होगा, जब ही गिरा होगा, चाहे साइड से गिरा होगा, पर हम लोग देखे नहीं बच्चे को गिरते हुए, देख लेते तो फिर बचा ही लेते, पर गिर गया। गिरने के बाद वो नीचे चला गया, नीचे चला जाने के बाद हम लोग पहले ऊपर में ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद नहीं मिला तो शक हो गया कि आज बच्चा हमारा यहीं पे खेल रहा था, हो सकता है कहीं इसी के अंदर हो। फिर हम उसमें ढूंढने का कोशिश किया तो उसी में पाया गया। पूरे बाहर में ढूंढने के बाद जब नहीं मिला, इधर उधर सारे जगह ढूंढ लिया। इसने अभी आप लोगों को आश्वासन दिया कि जिस हिसाब से बच्ची मतलब डूबी है, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसे नाला खुला छोड़ देना यहाँ पे, तो पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? कुछ नहीं, अब तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। जिन्होंने नाला बनाया उस उन कंपनी पे कोई कार्यवाही या कुछ ऐसा कुछ बताया? कुछ भी नहीं, ऐसा कोई लोकेशन नहीं मिला है, कोई कार्यवाही ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आया था वही 10:30 बजे में आया था मीडिया वाले, तो एक यहीं के वासी के बुलाए है मदन डेयरी में, तो पूरा एड्रेस दिया है, कौन कंपनी वाले बनाया, कौन ठेकेदार बनाया, तो मीडिया वाले बोला है उस पर कंप्लेन करेंगे, इसका मुआवजा दिलाएंगे हम। हाँ, तो यही बात सब हुआ। फिर मुआवजा कितने में दे दे? बस बच्ची तो वापस नहीं आएगी, अपना बच्चा जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिस हिसाब से जिन कंपनी ने बनाया फिलहाल, उस कंपनी के ऊपर तो मैं भी बोलना चाहूँगी कि सरकार को कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के नाले वो अगर और भी कहीं बनाएंगे तो वहाँ पर इतने हादसे मतलब ऐसे हादसे और हो सकते हैं। और बताया जाता है कि इस नाले में पहली मौत नहीं हुई, उसके पहले भी बहुत बच्चे गिर गए यहाँ पे, 2 और औरत भी यहाँ पर गिर गई थी एक बार। तो जिस हिसाब से इस नाले में डूबकर लोगों की जान जा रही है यहाँ पर, एक माँ अपने बच्चे को खो रहे हैं, परिवार वाले अपने बच्चे को खो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो उस कंपनी के ऊपर फिलहाल कार्रवाई होनी चाहिए जिस कंपनी ने खुला नाला बनाया है। और कुछ सर आप बोलना चाहेंगे इतना सर नाला के बारे में? जी नहीं, अब क्या बोलेंगे, नाला बंद करवा, नाला ढक जाए तो बढ़िया रहेगा, सुरक्षा रहेगा जी, आगे किसी को नहीं हुआ, अभी हमारे साथ हुआ है, अभी हमारे साथ हुआ है, कहीं और किसी के साथ हो जाए, और कोई बच्चा चाहे आदमी ही गिर जाए, किसी को घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उसका आगे रिस्क कौन लेगा? आगे रिस्क तो वही लेगा कि आज जो बनाया है ठेकेदार, वही रिस्क लेगा ना, वही सही कर सकता है। हम तो कर नहीं सकते हैं, हम तो कह सकते हैं। देखिए, मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर यहाँ पर किसी बड़े लोगों के बच्चे के साथ ये हादसा होता है, तो अब तक ये बात बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर ये अगर गरीब हैं, अपना मेहनत करके आप लोग अपना पेट पाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको न्याय नहीं मिलनी चाहिए। जिस कंपनी ने उस नाले को बनाया, उस कंपनी के ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने नाला, इतना बड़ा नाला बना के ऐसे खाली छोड़ दिया, और आखिर क्यों छोड़ा, किस वजह से ये यहाँ पे बच्ची डूबी है, क्योंकि जाहिर से बात है इतना बड़ा नाला खुला रहने से किसी के साथ भी हादसा हो सकता था।
तो जैसा कि अभी आपने उनके परिवार वालों की बात सुनी है, उनकी बात सुनी है, क्या क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए फिलहाल मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जिस तरीके से यहाँ पर नाले बनाए गए हैं खेतों के बीच में, जिस तरीके से यहाँ पर नाले बनाए गए हैं, इस नाले में ये कोई पहली मौत नहीं हुई, उसके पहले भी यहाँ पर यहाँ के मौजूद लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इसके पहले भी यहाँ पर बहुत से लोगों की इस नाले में गिरने से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना इस नाले को ढका जा रहा है, ना ही इस नाले को लेकर कुछ किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो मृत्यु है वो बढ़ती जा रही है। और कल ही शाम को एक छोटी सी 5 साल की मासूम बच्ची यहाँ पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस कंपनी ने यह नाला बनाया है, जिस कंपनी के द्वारा यह नाला बनाया गया है, उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनकी तरफ से अभी कोई भी बयान आया है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है नाले बनाने में, और जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने लापरवाही बरती है, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाला है आगे कितने दूर तक जा रहा है और कितना लंबा चौड़ा नाला है। ऐसे भी नहीं कि कोई छोटा सा पतला सा नाला हो, कितना लंबा चौड़ा नाला से खुलेआम बना दिया गया है, काई जमी हुई है। और साथ ही में सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ये खेतों के साथ में ऐसे सटा हुआ है, मतलब जमीन और नाला दोनों एक समान है, इसमें डिफरेंस करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मौत हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल एक शाम को एक 5 साल की बच्ची डूबी है, इसके पहले भी यहाँ पर कई बच्चे डूब चुके हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इतने बार कंप्लेन करा इस नाले को ढकवाने के लिए, इस नाले को सही तरीके से बनवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपके राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करें। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज़तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।